हेलो एवरीवन, माई सेल्फ योगेंद्र शर्मा फ्रॉम फेयर इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं आपको आपकी जो बुक है क्लास 11th, जिसका नाम है स्नैपशॉट, और स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर टू क्या, द एड्रेस। तो आज हम द एड्रेस को पढ़ने जा रहे हैं, और बड़े आसान तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आप लगातार मेरे साथ इस वीडियो को देखते रहिए, और जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो बातों को ज़्यादा ना बनाते हुए, इधर उधर की न करते हुए, सीधा अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नाम है द एड्रेस। एड्रेस क्या है? देखिए, एड्रेस, इसको मैं थोड़ा सा पहले मैं इस पर लाइट डालना चाहूँगा कि इसमें ये एड्रेस किस वजह से इस चैप्टर का नाम पड़ा। एक्चुअली एक समरी के रूप में मैं आपको बताऊं कि एक लड़की है जो कि युद्ध के बाद में, हॉलैंड में एक युद्ध होता है, और युद्ध के बाद में वो वापस लौटती है। तो जब वो वापस लौटती है तो उसके मन में एक चीज़ आती है कि जो वस्तुएं युद्ध से पहले उसकी माँ के पास थी, क्योंकि युद्ध के बाद उसको उसकी माँ नहीं मिलती है, तो वो उनकी खोज में निकलती है। एट लास्ट वो वस्तुएं उसको मिल जाती हैं। कहाँ मिलती हैं? उसी से चैप्टर एड्रेस बना है, हाँ, कि एक थी मिसेज डॉर्लिंग। तो डॉर्लिंग के यहाँ पर, मिसेज डॉर्लिंग के यहाँ पर वो सारी वस्तुएं थीं। तो एक समराइज भी करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो मिसेज डॉर्लिंग के यहाँ पर पहुँचती है, कहने का मतलब उनका एड्रेस जब उसको मिल जाता है, मिसेज डॉर्लिंग का, तो वहाँ पर उसे वो सब अपनी सब चीज़ें अपनी माँ की दिखाई देती हैं। और जब अपनी माँ की वो सारी चीज़ों को देखती है तो उसकी पुरानी यादें सब ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन उसके मन में एक विचार आता है कि यदि मैं इन अपनी माँ की इन वस्तुओं को देखती रही तो आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, और इसलिए वो क्या करती है कि उन सबको छोड़ करके, उन सब चीज़ों को छोड़ करके मिसिंग डॉर्लिंग के यहाँ से चली आती है, और जीवन में अपना आगे बढ़ने का कठोर निर्णय लेती है। तो ये एक तरह से स्टोरी रही। अब वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसको हिंदी में। तो सबसे पहले शुरुआत में एक छोटी सी समरी इसमें भी दी हुई है, बहुत छोटी सी, 3-4 लाइन की है। तो वो क्या है? दिस स्टोरी इज ए पॉइग्नेंट अकाउंट ऑफ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। देखो, मैंने पहले बताया था कि ये जो छोटी सी कथा है, छोटी सी एक शॉर्ट स्टोरी है, जो लघु कथा है ये, वो क्या है कि युद्ध के उपरांत हॉलैंड में अपनी माँ की चीज़ों की खोज में निकलती है एक बेटी, उसकी अकाउंट ऑफ ए डॉटर, उसकी कहानी है ये। व्हेन सी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट्स एवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। और जब वो वस्तुओं से मिल जाती हैं तो उसके मन में वो अपने जो पुराना जीवन था उसकी यादों को जगा देती हैं, इवोक, पनपा देती हैं। पर हाउएवर सी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन। तो क्या करती है वो? उन सब चीज़ों को छोड़ देती है और आगे बढ़ने का निर्णय लेती है। अब हम बिल्कुल असली जो रियल चैप्टर उसकी तरफ बढ़ते हैं। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। तो जो नरेटर है, नरेटर कौन है? वो बेटी ही है। तो वो क्या कह रही है कि मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो? द वुमेन लुकड एट मी सर्चिंगली, सी हैड ओपन्ड द डोर ए चिंक, आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। तो क्या कहता, क्या कहा कि मैंने पूछा कि आप मुझे अभी भी जानती हो? तो उस महिला ने मेरी तरफ ध्यानपूर्वक देखा, सर्चिंगली, जैसे कुछ खोजना चाह रही हो, हाँ। उसने, सी हैड ओपन्ड द डोर ए चिंक, हाँ, उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल रखा था। आई केम क्लोजर, मैं उसके नज़दीक गई, एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो मैंने बताया, आई एम मिसिस सिस डॉटर, हाँ, मैं मिसिस सै की बेटी हूँ, हाँ। तो सी हैड हर हैंड ऑन द डोर एज दो सी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। तो उस महिला ने दरवाजे पर इस तरह से अपना हाथ रखा हुआ था कि मानो वह उसको और आगे नहीं खुलने देना चाहती थी। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, उसके चेहरे पर मुझे पहचान पाने का कोई भी चिन्ह
दिखाई नहीं पड़ रहा था। सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, वो एक साथ साइलेंस बड़ी चुप्पी से, मतलब एक तरह से मूक बन करके मेरी तरफ लगातार देखती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन आई थॉट, मुझसे शायद गलती हो गई है ऐसा मैंने सोचा। परहैप्स इट इज़ नॉट हर, शायद ये वो महिला नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, और कहती है कि मैंने एक बार केवल उसको देखा था, वो भी फ्लीटिंगली सरसरी तौर पर एक उड़ती नज़र से देखा था, और वह कई वर्ष पहले की बात थी जब मैंने उसको देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रोंग वेल, और वो कहती है कि शायद यह पूरी तरह से संभव था कि मैंने किसी गलत घर की घंटी को बजा दिया था। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, तो महिला एक और हट गई और उसने दरवाज़ा छोड़ दिया। सी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नाइटेड कार्डिगन, उसने मेरी माँ का जो हरा बुना हुआ कार्डिगन था वो पहन रखा था। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, तो लकड़ी के जो बटन थे वो लगभग धुल धुल करके पीले पड़ गए थे धोने, ज़्यादा धोने की वजह से। सी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, जब उसने देखा कि मैं कार्डिगन को देख रही हूँ, उस पर मेरी नज़र जमी हुई है, तो फिर कि उसने क्या किया, एंड हाफ हाइड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, तो वो फिर से दरवाजे के पीछे जाकर के आधी छिप गई। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मीन्स बिल्कुल सही घर पर पहुँची हूँ। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मेरी माँ को जानती थी, मेरी माँ को तो आप जानती थी, मैंने उससे कहा। हैव यू कम बैक सेड द वुमैन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, तो उसने पूछा कि क्या तुम वापस आ गई, महिला ने पूछा उससे कि क्या तुम लौट करके आ गई, मैंने तो सोचा था नो वन हैड कम बैक, हाँ कि कोई लौट करके नहीं आया है, तो मैंने बताया उसको, क्या बताया, ओनली मी, केवल मैं आई हूँ। द डोर ओपन्ड, दरवाज़ा खुला एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, और कहाँ खुला, जो उसका जो पीछे पैसेज था, गलियारा जो था, उसकी तरफ दरवाज़ा खुला और बंद भी हुआ। ए मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, वहाँ से एक बहुत ही एक दुर्गंध आने लगी, जैसे कि सीलन की आती है, कहीं से सील पर होती है तो उसकी जो दुर्गंध आती है, उस तरह की दुर्गंध वहाँ पर आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू, कहने लगी मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, तो कहती है कि मैं यहाँ विशेष रूप से ट्रेन से आई हूँ और मैं आपसे केवल एक मिनट, एक क्षण बात करना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमेन, तो उस महिला ने कहा कि मेरे लिए फिलहाल में ये बात कन्वीनियंट मीन्स सुविधाजनक अब नहीं है, मुझे असुविधा हो रही है। आई कांट सी यू, मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ, एनदर टाइम, हाँ किसी और दिन आना। सी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, तो उसने सिर हिलाया तथा सावधानी पूर्वक इस तरह से दरवाज़ा बंद किया कि मानो घर के किसी भी व्यक्ति को कोई भी बाधा ना आए, डिस्टर्ब हो ना हो, कोई भी विघ्न ना पड़े। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, तो मैं वहीं खड़ी रह गई सीढ़ी पर जहाँ खड़ी हुई थी, बिल्कुल वहीं। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, तो खिड़की के सामने का जो टंगा हुआ पर्दा था वो हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मेरी तरफ दृष्टि डाली, घूर करके मुझे देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और शायद मुझसे इस तरह से पूछ सकती थी वो जो भी थी कि मैं मुझे क्या चाहिए। ओ नथिंग द वुमेन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग, तो कहने लगी ओ नथिंग, कुछ भी नहीं। हाँ मैंने भी उत्तर दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, फिर से मैंने नेम प्लेट को देखा। डॉर्लिंग इट सेड, उसमें लिखा हुआ था डॉर्लिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनामेल, हाँ जो सफ़ेद रंग का जो पेंट था, पट्टिका थी, उस पर काले अक्षरों में लिखा हुआ था। एंड ऑन द जेम ए बिट हायर द नंबर 46,
और जो दरवाजे का जो बाजू था, कहने का मतलब बराबर का हिस्सा, उस पर कुछ ऊंचाई पर लिखा हुआ था नंबर 46, नंबर पड़ा हुआ था 46। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। तो जब मैं धीरे धीरे कदमों से अपने स्टेशन की तरफ लौटी तो मुझे अपनी माँ की याद आई। उस माँ के बारे में सोचा, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने मुझे कई वर्षों पहले यह पता दिया था। ये जो पता था, एड्रेस था, मेरी माँ ने दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द बार, और यह बात कब की है, युद्ध के पहले हाफ की, अर्थात युद्ध के शुरुआत से कुछ बाद की है। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। तो कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए घर लौटी थी और घर पर लौट करके मुझे ऐसा लगा कमरे में कि कुछ जैसे बदला हुआ है, कुछ गायब है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि गायब है वहाँ पर। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, और मेरी माँ को इस बात का आश्चर्य हुआ कि मैंने इतनी जल्दी यह बात कैसे नोटिस कर ली। देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसिज डॉर्लिंग, तब उन्होंने मुझे मिसिज डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना था, मिसिज डॉर्लिंग के बारे में इससे पहले। बट अपरेंटली सी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन अपरेंटली का मतलब स्पष्ट रूप से, वह मेरी माँ की कोई पुरानी एक्वेंटेंस, कहते हैं परिचित के लिए, रिलेटिव के लिए, तो कोई पुरानी परिचित थी। होम सी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, जिससे वह भी अनेक वर्षों से शायद नहीं मिली थी। सी हैड सडनली टर्न्ड अप, अचानक से ही अब वह आ गई थी। एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और पुराने संपर्क को उन्होंने रिन्यू कर लिया था, अर्थात अब नया कर लिया था। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, और तब से वह लगातार रूप से आ रही थी। एवरी टाइम सी लीव्स हेयर सी टेक्स समथिंग होम विद हर, तो वह जब भी आती थी अपने साथ कोई ना कोई चीज़ ले जाती थी। सैड माई मदर, ऐसा किसने बताया, मेरी माँ ने मुझको बताया कि जब भी वो मिसेज डॉर्लिंग आती थी तो कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाती थी। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, है एक बार में ही वो मेज की जो चांदी के जो बर्तन थे उनको ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, उसके बाद में जो प्लेट थे उनको ले गई, जो प्राचीन प्लेट थी जो वहाँ टंगी हुई थी उनको ले गई वो। सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वरीड सी गॉट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, तो जो छुरी थी, कांटे आदि थे वो सब ले गई, और जो बड़े बड़े फूलदान जो थे, जो वेस थे, वेस जिसमें फूल लगे होते हैं, उनको भी ले जाते समय उनको कठिनाई हो रही थी। और मुझे यह चिंता थी, कौन सी चिंता, कि वजन की वजह से, क्रॉकरी के कारण जो उसमें वजन था उनकी वजह से उनकी कमर में क्रैक, ऐंठन आ गई हो। माई मदर सूक हर हेड पिटी इंगली, मेरी माँ ने सहानुभूतिपूर्वक अपना सिर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, है और मैं तो उसे ऐसा कहने की हिम्मत भी कभी नहीं जुटा पाई ऐसा करने की। सी इवन इंसिस्टेड, उसने स्वयं ही इस बात को कहा। सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो जो मेरी बहुत सारी चीज़ें थी, अच्छी चीज़ें थी, उनको सुरक्षित रखना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज एवरी थिंग सी सेज, हैं, यदि हम ये चीज़ें यहीं छोड़ देते हैं तो हम सब कुछ खो देंगे, ऐसा वह कहती थी। कौन कहती थी, मिसेज डॉर्लिंग कहती थी। हैव यू एग्रीड विद हर दैट सी शुड कीप एवरी थिंग आई आस्क्ड, तो क्या तुम उसकी बात से सहमत हो गई थी कि वह हर चीज़ रख ले, मैंने पूछा। एज इफ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर क्राइड, तो यह कोई पूछने की ज़रूरत थी, मेरी माँ थोड़ा सा चीख करके बोली। और इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, और ऐसा करना एक अपमान की भी बात होती ऐसा करना। एंड थिंक अबाउट द रिस्क सी इज रनिंग, और उस रिस्क के बारे में, उस खतरे के बारे में भी तो सोचो जो वो उठा रही थी। ईच टाइम सी गोज आउट ऑफ द डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग, प्रत्येक बार वो पूरा भरा हुआ सूटकेस या बैग लेकर घर से बाहर
निकलती थी, तो इसमें भी तो उनको खतरा था, तो खतरा उठा रही थी, तो इस बात को भी तो सोचो। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, मेरी माँ ने जैसे यह देख लिया था कि मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं थी। सी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। तो मेरी माँ ने लगभग मुझे धिक्कारते हुए, लगभग एक तरह से धकियाते हुए, कहने का मतलब एक दूसरी दृष्टि से देखते हुए, हाँ मेरी तरफ देखा दूसरी दृष्टि से, और उसके पश्चात हमने फिर इस बारे में कोई भी बात, वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, इसके बारे में फिर हमने कोई बात नहीं की। मीन वाइल इसी बीच आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, तो इसी बीच मैं स्टेशन पर पहुंच गई और रास्ते में मैंने किसी भी चीज़ पर कोई भी ध्यान ज़्यादा नहीं दिया। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार, तो मैं युद्ध छिड़ने के बाद उन परिचित स्थानों पर शायद पहली बार चल रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैट वॉज नेसेसरी, लेकिन मैं आवश्यकता से अधिक ज़्यादा आगे जाने के मूड में नहीं थी, ज़्यादा आगे नहीं जाना चाह रही थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स, और मैं उन सड़कों स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रेसियस टाइम, कहती है कि मैं उन सड़कों तथा उन घरों को देखकर अपने आप को दुखी भी करना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रेसियस टाइम, क्योंकि उन स्थानों से मेरी बहुमूल्य यादें जुड़ी हुई थी, वो बहुमूल्य यादों से भरे हुए थे वो स्थान। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डार्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, तो वापस गाड़ी में मैंने मिसेस डार्लिंग की लगभग वही शक्ल को देखा। अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसा कि मैंने पहली बार उसके मिलने पर देखी थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, तो जिस दिन मेरी माँ ने उसके बारे में बताया था उसके बाद का वह दिन था शायद। आई हैड गॉट अप लेट, मैं देर से सोकर उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आने पर, कमिंग डाउन स्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे आने पर, आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को बाहर छोड़ने गई हैं। ए वूमेन विद ए ब्रॉड बैक, एक ऐसी महिला जिसकी पीठ या कमर बहुत ही चौड़ी थी, ब्रॉड बैक। देर इज माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माँ ने उसे बताया कि देखो ये मेरी बेटी है। सी बैकंड टू मी, बैकन बैकन कहते हैं हाथ का इशारा करना, हाथ के इशारे से बुलाना, तो उसने मुझे हाथ के तरह मेरी तरफ हाथ का इशारा किया। द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, तो महिला ने सिर उठा हिलाया अपना और सूटकेस कोट रैक के नीचे से उठा लिया उसने। सी वोर ए ब्राउन कोट, उसने एक कत्थई रंग का कोट पहना हुआ था। एंड ए शेपलेस हैट, और एक आकृतिहीन शेपलेस जिसकी कोई आकृति नहीं थी, ऐसा एक हैट पहन रखा था उसने। डस सी लिव फार अवे आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या वह बहुत दूर रहती है। सीइंग द डिफिकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, हाँ कब पूछा, जब मैंने महिला को उस भारी केस के साथ कठिनाई पूर्वक घर से बाहर निकलते हुए देखा था, मैंने पूछ लिया कि क्या वह बहुत दूर रहती है। तो इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, नंबर 46 रिमेंबर दैट, कि मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, मेरी माँ ने उस बताया इस बात को, और याद रखो कौन सा नंबर, नंबर 46, और आई हैड रिमेंबर्ड इट, और वो नंबर मैंने याद रखा। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने वहाँ जाने के लिए एक लंबी प्रतीक्षा की वहाँ जाने के लिए। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, तो इनिशियली प्रारंभ आज़ादी के बाद, वो भी तो आज़ादी के बाद प्रारंभिक दिनों में मेरी उन चीज़ों में कोई भी रुचि नहीं थी बिल्कुल। उन जो स्टोर्ड स्टफ था, जो कहने का मतलब जो इकट्ठा हुआ सामान था, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं थी। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और स्वाभाविक रूप से मुझे उनसे कुछ डर भी लगने लगा था।
afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. है? और मुझे उन चीज़ों से सामना करने में डर लग रहा था, क्यों? कि जिनका संबंध उन लोगों से था शायद जो अब इस दुनिया में, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, क्या वो इस दुनिया में थे ही नहीं. विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अंटिल देवर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन. तो या तो उन चीज़ों को अलमारियों तथा डिब्बों में छिपा कर रख दिया गया था, और वे मानो उनकी प्रतीक्षा ही कर रही थी कि कोई उन्हें उसी स्थान पर लगा देगा. विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज देवर थिंग्स. और जो मात्र केवल ठीक ठाक बनी रही थी, वो केवल, ये समझिए, एक वस्तु ही थी, क्योंकि वो केवल और केवल एकमात्र वस्तु रह गई थी. बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया. ब्रेड वाज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर. डबल रोटी फिर से हल्के रंग में मिलने लगी, मीन्स आसानी से खाना मिलने लगा, अर्थात सब कुछ सही नॉर्मल हो गया. देयर वाज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड. अब आप बिना किसी खतरे के बिस्तर पर सो सकते थे. ए रूम विद ए व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे. और एक कमरा जिसे आप बाहर रोजाना आपको देखने की आदत पड़ गई हो, उस तरह से आप रह सकते थे. वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस. तो एक दिन मुझे ऐसा लगा, मेरे मन में उन वस्तुओं के प्रति एक लालसा जगी जिन्हें उस घर में मैं, मुझे लगा कि वो उस घर में होनी चाहिए थी. आई वॉन्टेड टू सी देम टच रिमेंबर. हैं, मैं उन्हें देखना चाहती थी, उन्हें छूना चाहती थी, और यहाँ तक कि उन्हें याद भी करना चाहती थी. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉलिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड. तो मिसिज डॉलिंग के घर पर मेरी पहली कोशिश तो बेकार रही थी, उसके पश्चात मैंने दोबारा जाने का निर्णय कर लिया वहाँ पर. नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन्ड द डोर टू मी. अब एक लगभग 15 वर्ष की लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला. आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज़ एट होम. मैंने पूछा उससे कि क्या उसकी माँ घर पर है. नो सी सेड, उसने कहा कि नहीं है. माई मदर्स इज डूइंग एन अरेंज. है, उसने क्या बताया कि मेरी माँ तो किसी काम से बाहर गई हुई है. एरेंड, एरेंड का मतलब होता है ऐसा काम जो बाहर हमें करना होता है. नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर. मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं उसका इंतजार कर लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है. आई फॉलोड द गर्ल एलोंग द पैसेज. तो मैं लड़की के पीछे पीछे उसी गलियारे में, पैसेज में गई. एन ओल्ड फैशनड आयरन हनुक्खा कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर. तो एक पुराने ढंग का एक हनुखा, जिसको दर्पण कहते हैं, समाधान, एक पुराना बड़ा सा दर्पण शीशा, हाँ, किसके बराबर में, नेक्स्ट टू द, नेक्स्ट टू ए मिरर, दर्पण के बराबर में एक हनुखा. हनुखा एक तरह से मालूम है क्या होते हैं, ये होते हैं जिन पर हम कोई प्रकाश की कोई चीज़ रख दे, जैसे लैंप है या इस तरह की, कोई पुराने समय में दीपक होते थे उनको रख देते थे, उसको हनुखा कहा जा सकता था उनके रखने वाले स्थान को. तो कहती है कि वो मुझे दिखाई दिया. वी नेवर यूज इट, हम उसका कभी प्रयोग नहीं करते थे, बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बर्जम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक. क्यों? क्योंकि वह एकमात्र कैंडल स्टिक से भी बहुत ज़्यादा भारी होता था, भारी भरकम था. कम्बर्जम भारी भरकम के लिए बोलते हैं. हाँ, वॉन्ट यू सिट डाउन सेड आस्क द गर्ल. लड़की ने कहा कि क्या तुम बैठोगी नहीं. सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम. तो उसने लिविंग रूम का, बैठक का अपना दरवाज़ा खोल दिया. आई वेंट इन साइड पास्ट हर. मैं उसके पीछे जा करके वहाँ बैठ गई. आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड. मैं वहीं पर रुक गई, भयभीत भी हुई थोड़ी सी. आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो. कहती है कि मैं ऐसे कमरे में थी जिससे मैं परिचित थी लेकिन जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी. I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. कहती है कि मैं स्वयं को उन वस्तुओं के बीच में अपने आप को देख रही थी जिन्हें मैं
दोबारा भी देखना चाहती थी, पर इस विचित्र माहौल को देख करके मैं थोड़ी सी व्यथित भी हो गई थी, थोड़ी सी परेशान भी हो गई थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर। तो एक बात और है, अथवा कहती है कि और मैं इस बात से भी दुखी थी कि वे अव्यवस्थित तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं रखे हुए थे, अव्यवस्थित थे, फर्नीचर भी गंदा था और कमरे में थोड़ी सी गंद भी आ रही थी, कमरे में थोड़ी गंद आ रही थी। आई डोंट नो बट आई स्केयर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैं ठीक से तो नहीं जानती पर अपने चारों ओर देखने का मुझे साहस नहीं हो पा रहा था। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने एक कुर्सी को खिसकाया। आई सेट डाउन, मैं बैठ गई। एंड स्टेयर्ड एट दी वुडन टेबल क्लोथ, और जो टेबल का जो क्लोथ था, कहने का मतलब मेजपोश जो होता है, उस पर मैंने अपनी दृष्टि डाली। आई रब्ड इट, मैंने उसको रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, तो रगड़ने के कारण मेरी उंगलियाँ कुछ गर्म पड़ गईं। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, हाँ, तो मैंने उस पर जो लकीरें बनी हुई थी उन पर एक अपनी नज़र डाली। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, तो उसके किनारे पर कहीं एक जलने का निशान भी होना चाहिए, एक दाग होना चाहिए जिसे शायद कभी रिपेयर नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून, सेड द गर्ल, लड़की ने कहा कि मेरी माँ जल्दी ही वापस आएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर यू हर, उनके लिए, अपनी माँ के लिए मैंने पहले से ही चाय बना करके रख दी है। विल यू हैव ए कप, क्या तुम भी चाय पियोगी? थैंक यू, मैंने कहा धन्यवाद। आई लुक्ड अप, अब मैंने अपनी दृष्टि ऊपर डाली, दृष्टि ऊपर उठाई। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, तो लड़की ने चाय के प्याले मेज पर रख दिए थे। सी हैड ए ब्रॉड बैक, उसकी पीठ भी अपनी माँ की तरह चौड़ी ही थी, जस्ट लाइक हर मदर, हाँ, माँ की तरह। सी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, उसने एक सफ़ेद केतली में से प्यालों में चाय को उड़ेला, चाय डाली। ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लेड, तो उसके जो ढक्कन थे जब उसने खोला तो उस पर कैसा वो था, गोल्ड, उसका बॉर्डर कैसा था, गोल्ड था। आई रिमेम्बर्ड सी ओपन्ड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि उसने एक डिब्बा खोला और उसमें से कुछ चम्मच उसने बाहर निकाले। दैट्स ए नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, यह डिब्बा तो बड़ा अच्छा है, मैंने स्वयं अपनी आवाज़ सुनी। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, बड़ी अद्भुत आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, मानो इस कमरे में हर आवाज़ ही भिन्न आ रही थी। दैट इज़ ए नाइस बॉक्स, सॉरी, ओ यू नो अबाउट देम, सी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, ओ तो आपको इसके बारे में जानकारी है। वह मुड़कर मेरी चाय को लेकर के आई। सी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, उसने कहा कि मेरी माँ यह बताती हैं कि ये सब पुरानी है, एंटीक माने प्राचीन है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हैं हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे की तरफ चारों ओर इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, और कहा कि देखो, स्वयं देख लो आप, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, हैं मुझे हाथ उसके हाथ के इशारों को फॉलो करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मेंट, जिन चीज़ों को वो बता रही थी उनको तो मैं पहले से जानती थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, तो चाय की जो मेज़ थी उसके ऊपर जो टंगे चित्र थे, केवल मैंने उनको देखा। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, तो एक बच्चे के रूप में जब मैं बच्ची थी तो मैं सदा ही उस जस्ते की प्लेट पर रख कर के सेब को खाने की कल्पना किया करती थी कि उसी पर रख कर के खाऊं।
वी यूज इट फॉर एवरी थिंग सी सेड। उसने कहा कि हम इसका उपयोग हर चीज को रखने के लिए करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। कहती है एक बार तो हमने दीवार पर लटकी प्लेटों पर खाना भी खाया था। एक बार वो बताती इस बात को, आई वॉन्टेड टू सो मच, मुझे इसकी बहुत अधिक इच्छा भी थी, बट इट वाजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन मुझे कोई उसमें विशेषता दिखाई नहीं दी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लोथ। हाँ, तो जो मेजपोश था उस पर मुझे जो जले हुए का निशान था वो भी मिल चुका था, वो भी देख लिया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। लड़की ने एक मेरी तरफ एक तरह से प्रश्नवाचक दृष्टि की तरह डालते हुए देखा, कोई जैसे कोई उसकी दृष्टि में कोई प्रश्न छिपा हुआ हो, इस तरह से उसने देखा। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस। हाँ, घर की इन सभी प्यारी वस्तुओं को तुम इतनी छूती रहती हो, दैट यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, कि तुम शायद ही उनको और अधिक देख पाओगी। हाँ, यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग। हाँ, केवल तुम तभी ध्यान देती हो जब कोई वस्तु खो जाती है, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल। तो या तो जिसका उसका कारण क्या है, या तो उसकी मरम्मत करवानी हो या तुमने उसे उधार दिया हो। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। एक बार फिर मुझे अपनी ही आवाज़ का अननेचुरल अस्वाभाविक अपनी आवाज़ सुनाई दी और फिर से मैंने कहा, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। कि मुझे याद है जब मेरी माँ ने मुझे एक बार बोला था कि क्या मैं चांदी के बर्तनों को पॉलिश करने में मदद कर दूँ। इट वॉज़ ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो, यह बहुत पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, शायद उस दिन मैं बोर भी हो गई थी, परेशान भी हो गई थी, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, या शायद मुझे घर पर रुकना था, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और चूँकि उससे पहले मुझे कभी भी उसने काम करने के लिए मेरी माँ ने नहीं कहा था, कभी नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विथ सिल्वर सीमेंट, जब मैंने पूछा कि कौन सी चांदी की बात वो कर रही है, हैं कौन सी चांदी का मतलब क्या मतलब है उसका, कौन सी सिल्वर से है, तो एंड सी रिप्लाइड सरप्राइज, तो आश्चर्यचकित होते उसने उत्तर दिया था, दैट इट वॉज द स्पून्स फॉर्क्स एंड नाइव्स, कि वो चम्मच कांटे और चाकू आदि की बातें कर रही थी। ऑफ कोर्स एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और यह वास्तव में मेरे लिए एक अद्भुत बात थी, एक नई बात थी। आई डोंट नो द कल्ट्री वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। हाँ, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि चाकू चम्मच आदि जिनसे हम प्रतिदिन अपना भोजन करते थे वो किसके थे, चांदी के थे। कल्ट्री इन्हीं के लिए बोलते हैं, चाकू चम्मच इन सब्जियों को मिला करके इसका एक ही वर्ड माना जाता है, कल्ट्री। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की फिर से हंसने लगी। आई बेट यू डोंट नो इट्स आइदर, आई लुक्ड इंटेंटली हर। तो लड़की हंसी और उसने कहा कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा। वट वी ईट विथ सी आस्क्ड, हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किस मतलब किससे खाते हैं, तो उसने पूछा। वेल डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, तुम जानती हो इस बारे में। सी हेजिटेटेड, वह कुछ संकोच में पड़ गई, हिचकिचाई। सी वॉक टू द साइड बोर्ड, वह साइड बोर्ड की तरफ घूमी। एंड वॉन्टेड टू ओपन एक ड्रॉअर, और एक दराज खोलने की उसने कोशिश की। आई विल लुक इट इज़ इन हेयर, देखती हूँ यहाँ क्या है। आई जम्प्ड अप, मैं उछलकर खड़ी हो गई। आई वॉज फॉर गेटिंग द टाइम, गाड़ी के समय को भूल गई थी, टाइम को भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे तो अपनी ट्रेन पकड़नी है, जरूरी ट्रेन से जाना है। तो सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉअर,
उसका हाथ अब अभी भी उस ड्रॉअर पर, दराज पर ही था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी माँ से नहीं मिलना चाहोगी? नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना ज़रूरी है। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ चली गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉअर ओपन, उस लड़की ने दराज को खोल करके देखा। आई कैन फाइंड माई ओन वे, हाँ और मैं अपना रास्ता स्वयं ही खोज लूँगी, मैंने उससे ऐसा कहा। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क्स, तो जब मैं उस गलियारे में से, उस पैसेज में से निकल करके जा रही थी, तो मुझे चम्मचों तथा कांटों की जो खनखनाहट थी, जो जिंगलिंग थी, खनखनाहट, उसकी आवाज़ सुनाई दी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, तो सड़क के कोने पर मैंने वहाँ जो लगी नेम प्लेट थी उसको देखा, उस पर क्या लिखा था, मार्कोनी स्ट्रीट इट सेट लिखा हुआ था उस पर, मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं 46 वाले घर पर ही पहुंची थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, घर का पता बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं उसे, उस पते को याद करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन सीवियर्ड फ्रॉम देम यू सी अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। तो सीधी सी बात उसने क्या की, क्या कही कि मैं अब वापस कभी नहीं जाऊँगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें जो आपके पूर्व समय मैं आपके जीवन से जुड़ी हूँ, वो सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं जब आप उनसे कट जाती हैं पूरी तरह से, तो वो सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, हैं, और फिर तुम उन्हें एक अजनबी माहौल में देखते हो। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द थ्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कल्ट्री फिटेड इन द नैरो टेबल वॉर। और एक बात और उसने कही कि उन चीज़ों का करना भी क्या है, क्योंकि जो मेरा एक छोटा सा किराए का कमरा है जहाँ पर ब्लैकआउट के समय केवल काले कागज़ के टुकड़े भी आपको खिड़की पर लटके मिलेंगे, या मुट्ठी भर वो छुरे कांटे आदि हैं, वो सब पतली उस मेज़ की दराज में रखे हुए थे और कुछ नहीं, नैरो टेबल ड्रॉअर उसकी दराज में रखे हुए थे। आई रिजॉल्व्ड टू फॉरगेट द एड्रेस, अब मैंने उस एड्रेस को भूल जाने का निर्णय कर लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और जो सारी चीज़ें थी जिनको मैं भूलना ही वास्तव में चाहती थी, भूलना ही पड़ा मुझे, दैट वुड बी द इजीएस्ट, हैं, तो उन सब में इस पते को भुला देना बहुत ही आसान था उन सब सारी चीज़ों की अपेक्षा। तो गाइस देखो, बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है, और मैं समझता हूँ कि यदि आपने शुरू से मेरा साथ दिया होगा तो आपने ज़रूर समझा होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग मी।